And if I speak English too much, I get the problem of indigestion in my stomach, you know. So whatever, that's whatever you are preparing, whatever you have done till now, whatever you have studied till now, that those 3 hours is the ultimate 3 hours of your life. You have to give your best in that particular 3 hours of examinations. 3 hours are the best 3 hours of your life, and you have to give your best in that particular examination. Just go to the room, go to the examination hall, say to yourself, look into the mirror and say to yourself that I can do it. Do it for multiple times, 10 times, 20 times, 50 times. Do it until you get a feeling inside yourself that I can definitely do it. इसको जब आप कहते रहे कहते रहे कहते रहे कहते रहे कहते रहे तब तक कहते रहे, repeat it in iterations, so that you get a feeling, internal feeling, yes, I am feeling that I can do it. So जब आपके पास ये आने लगेगा, आप फिर उसके बाद जाइए, रिपीट करो, 5 मिनट 2 मिनट दे दोगे, अपने लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब किसी भी चीज को करने के लिए कोई वक्त नहीं बचा है, कोई एक्स्ट्रा चीज करने के लिए, जो अभी तक पढ़ चुके हैं वही चीज जाके आप रिपीट और रिकॉल करेंगे। वॉट एवर यू हैव डन टिल नाउ टिल टूडे, जस्ट रिपीट एंड रिकॉल दोज कॉन्सेप्ट्स और दोज पीवाईक्यूज टुमारो, एंड जस्ट रिलैक्स। अगर आपने पिछले 2-3 महीनों में पढ़ाई करी है तो आपका ये एक दिन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर आपने पिछले 2-3 महीनों में कोई पढ़ाई नहीं करी है तो आप इस एक दिन में कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। सो वेरी सिंपल कि लाइक जो भी आपने किया हुआ है उस चीज पे बिलीव करें दैट आई कैन डू इट, आई विल डू इट, और उस चीज को लेके जाएं। कब किसका हथियार काम आ जाए किसी को नहीं पता चलता, ये एग्जामिनेशन का पेपर डिसाइड करेगा। तो आपने जो हथियार अपने पास रखे हैं जिस भी नॉलेज के फॉर्म में, जस्ट उस नॉलेज को लीजिए, उस कंडीशंस को लीजिए, उनको लेके जाइए एग्जामिनेशन में और उसका यूज करिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड एक चीज हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करना कि सब कुछ आपके हाथ में है, आपका रिजल्ट आपके हाथ में, कुछ और किसी के, सारा पेपर सभी का सभी के लिए इक्वल होता है। रिजल्ट वेरी सिर्फ लोगों के अपने एफर्ट के बेसिस पे करता है, किसी का सिलेक्शन होता है तो सिर्फ उसकी वजह से, और किसी का सिलेक्शन नहीं होता तो सिर्फ उसकी वजह से। और जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठने जाइएगा, जब एग्जामिनेशन हॉल की तरफ जाइएगा, सेंटर की तरफ, तो जरा सा ये सोचिएगा कि आप यहां तक आए क्यों, आपने आज ये एग्जामिनेशन देने की ठानी क्यों, आपने इतनी मेहनत करी क्यों, आपने सब्सक्रिप्शन लिया क्यों, आपने एफर्ट पुट किया क्यों। जिस दिन आप जो है ये चीज आइडेंटिफाई कर लेंगे कि नहीं मुझे जो है लिए पढ़ना है, किस लिए एग्जाम क्रैक करना है, आपके पास अगर ये है तो आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। जो भी है लेके जाइए, बिलीव इन योर सेल्फ। और हमेशा जैसा मैं बार बार कहता रहता हूं कि खुद का बिलीफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक लाइन में अक्सर बोलता रहता हूं कि ढूंढ लेते हैं अपने मंजिल अंधेरों में भी, जुगनुओं को किसी इशारे की जरूरत नहीं होती। ढूंढ लेते हैं अपने मंजिल अंधेरों में भी, जुगनुओं को किसी इशारे की जरूरत नहीं होती। जिन्हें भरोसा होता है खुद पर, जिन्हें भरोसा होता है खुद पर, उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीफ बहुत जरूरी है। इफ यू बिलीव ऑन योर सेल्फ, लाइक इफ यू बिलीव, आप डेफिनेटली कुछ अच्छा कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी चीज है जो आपको चाहिए अभी के टाइम पे, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। यकीन रखो कि मैं कर सकता हूं। घबराने से कुछ नहीं बदलने वाला है, टेंशन से कुछ नहीं बदलने वाला है, लेकिन यकीन रखोगे तो शायद आपका रिजल्ट काफी बेहतर आ सकता है। जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है, उस पर यकीन रखो, अपने एफर्ट्स पे यकीन रखो, ठीक है, और वो बहुत जरूरी है, ठीक है। और एग्जामिनेशन के बाद जो है मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ पोल, बेसिकली एक पोल क्रिएट कर दूंगा, जो भी जैसे भी क्वेश्चंस आए हैं आप थोड़ा बहुत अगर हेल्प करेंगे तो आपके साथ मैं उसी दिन या अगले दिन जो है जुड़ के आपके साथ डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया और क्या आपका रिस्पांस रहा है, ठीक है।
सो मे बी इन मैं उसके लिए जोड़ूंगा सर। प्लीज एक बार बता दीजिए एक्सेल में जनरल कैटेगरी के लिए कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। 35 से 40 सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। फोड़ के आइए, तोड़ के आइए, चाहे कुछ भी करिए, गेट एग्जामिनेशन को जो है ये बता के आइए कि आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, जिद है, हौसला है, हिम्मत है, एनर्जी है, टैलेंट है, परसिस्टेंस है, कैलिबर है, स्टैमिना है, और सबसे बड़ी बात कि जिंदगी है कि आप उसको जीत सकते हैं। आप ये दिखा के आइए कि आप अभी जिंदा हैं, आपका दिमाग अभी जिंदा है, आप अभी इतने जल्दी आपका दिमाग सुन्न नहीं हुआ है। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आई एम अलाइव। इफ यू आर अलाइव यू कैन डू इट। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू योर एग्जामिनेशन। बी काम, बी कूल, डोंट वरी एट ऑल, एवरीथिंग विल बी गुड इफ यू विल गिव योर बेस्ट। गिव योर बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्दी एक और कॉल के साथ। बाय बाय।